एक्चुअली आप विगत कुछ दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, और साथ ही साथ बेतिया ज़िले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था, और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया है। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। Ma'am, what you reported till now to the Tamil Nadu police? Because Manish Kashyap is arrested. दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। कराइए गिरफ्तार। आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूं। आपका चम्मच जो है महंगा हो सकता है, लेकिन मजबूती तो स्टील के चम्मच में ही होता है। जिस दिन आप बोलिएगा उस दिन गिरफ्तारी दे देंगे। हत्या थोड़ी किए हैं, फरार थोड़ी हैं हम, ये सब नहीं किए हैं। जिस दिन बोलिएगा और जब बोलिएगा तेजस्वी यादव जी, बोलिएगा फ्लाइट से चले आएंगे पटना, बोलिएगा गाड़ी से चले आएंगे पटना, बोलिएगा जहां बोलिएगा वहां बोलिएगा आपके आवास के सामने गिरफ्तारी देने का तेजस्वी यादव जी, तो आपके आवास के सामने आके गिरफ्तारी दे देंगे। मैं अपने सर पे हाथ रख के बिहार का कसम खा के बोलता हूं कि जिस दिन तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव जी का पुलिस प्रशासन कहेगा कि मनीष कश्यप जी आप गिरफ्तारी दीजिए, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, वादा करता हूं। बस चुप नहीं रहूंगा, बोलूंगा और लगातार बोलूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर FIR हुआ है, वारंट मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा दिया जाए, डाल दिया जाए वारंट में, जब जहां बोलिएगा वहां पे आके गिरफ्तारी दे दूंगा। ना मैंने रेप किया है, रेप वाला विधायक तो बिहार में घूमता है, आपके पार्टी में है।